चलो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा है रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। बेसिकली हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिक्स, ठीक है ना। इस ऑप्टिक्स चैप्टर जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फील्ड और पोटेंशियल। वैसे ही हम लोग अब पढ़ेंगे फिजिक्स की एक नई ब्रांच जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, क्लियर हुआ ना। अभी जो हम क्लास 12 से पढ़ते हैं बेसिकली हम ब्रांचेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ब्रांचेस। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म, अब हम पढ़ रहे हैं क्या अपना ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट को स्टडी करना क्या कहलाता है हमारा ऑप्टिक्स। अब इस ऑप्टिक्स को हम लोग दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक हमारा होता है रे ऑप्टिक्स और एक हमारा होता है वेव। क्या होता है हमारा वेव। ऑप्टिक्स का मतलब रहता है द स्टडी ऑफ लाइट, और उस स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग दो चीजों में डिवाइड करते हैं रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में, क्लियर होना। इस चीज को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसका ऑर्डर क्या रहता है हमारा। पहला हमारा रहता है रेडियो वेव्स, उसके बाद कौन रहता है हमारा उसके बाद ये हमारा किसका ऑर्डर रहता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस बीच में जो हमारा विजिबल रीजन है वो हमारा क्या रहता है ये। विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो रहती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। किसे बात कर रहा हूं मैं, एंगस्ट्रॉम में ध्यान देना, मीटर में बात नहीं कर रहा हूं। आपकी किताब में जो वेवलेंथ है वो दे रखी है आपको मीटर, इसमें रखी है मीटर, मैं बात कर रहा हूं एंगस्ट्रॉम, क्लियर हो। किसी किसी बुक में रफली 3800 को कन्वर्ट कर रखा है 4000 में, और इसको कर रखा है 8000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर हुई। हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो ऑप्टिक्स इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर रहता है। इस बीच में जो विजिबल रीजन आता है उसका वेवलेंथ रेंज क्या रहती है 4000 से 8000 के बीच। तो हम जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, हम जो लाइट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विजिबल रीजन, कौन सी पढ़ते हैं विजिबल, क्लियर हुआ। हमें जो लाइटें दिखती है कौन सा ऑर्डर दिखती है हमें विजिबल। तो एग्जाम का क्वेश्चन पूछा पड़ सकता है कि जो ऑप्टिक्स की रेंज है वेवलेंथ की या विजुअल रीजन की वेवलेंथ की क्या रहती है हमारी 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर हुआ। ऑप्टिक्स वर्ड का मतलब क्लियर है द स्टडी ऑफ लाइट, क्लियर हुआ। फटाफट इसको नोट कर लो, देखो अगला हमारा है जिसे मैंने ऑप्टिक्स बताया, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। इस लाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट होता है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करता है, क्या करता है हेल्प। इट इज दैट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं लाइट। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, क्या है पार्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिक्स को हम लोग दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं, एक हमारा होता है रे ऑप्टिक्स और एक हमारा होता है वेव ऑप्टिक्स। हमने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारा लाइट है उसके पास दो नेचर रहते हैं, दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। अब अगर लाइट के पास दो नेचर है तो उसकी स्टडी भी दो ब्रांचेस में ही की जाएगी। तो जो जो ब्रांच लाइट के पार्टिकल नेचर के साथ डील करती है उसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, क्या बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और जो ठीक है, तो जो जो लाइट जिसे लाइट के पास दो नेचर रहते हैं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो जो ब्रांच लाइट के पार्टिकल नेचर के साथ डील करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और जो ब्रांच लाइट के वेव नेचर के साथ डील करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, क्लियर होना भाई। ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट। अब लाइट के पास दो नेचर है, एक तो पार्टिकल नेचर और एक हमारा क्या होता है वेव नेचर, क्लियर होना। कोई दिक्कत रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो रे ऑप्टिक्स है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को दिखाएगी और जो वेव ऑप्टिक्स है वो लाइट के वेव नेचर को दिखाएगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो रे ऑप्टिक्स में हम ऑब्जेक्ट लेंगे, जो भी रे ऑप्टिक्स हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह लेंगे उसकी उस ऑब्जेक्ट की जो भी डायमेंशन होंगी, डायमेंशन का मतलब है ऑब्जेक्ट की डायमेंशन,
डायमेंशन का मतलब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम जो भी है वो उस लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो, क्या होगी, बहुत ज्यादा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? और जो वेव ऑप्टिक्स है इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे, उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है, उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है वो लाइट की वेवलेंथ से कंपेरेबल हो, क्या होगी, ये ध्यान रखना, आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स में, वे ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। रे ऑप्टिक्स में जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी डायमेंशन जो है वो वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होगी, क्या होगी, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है वो वेवलेंथ से कंपेरेबल होगी, क्या होगी, फटाफट। रे ऑप्टिक्स पर आ रहे हैं जो हमारा चैप्टर है, तो ये जो बता रही है आपको बेसिक डिफरेंस है कि भाई जो रे ऑप्टिक्स क्या होती है, वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, और जो हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस ब्रांच में आता है, विजिबल में आता है, इसमें आता है विजिबल, उसकी रेंज क्या होती है, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में हम बात कर रहे हैं रे की, कैसी बात कर रहे हैं हम लोग, रे का मतलब होता है पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट का पाथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, दिक्कत, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। और ये ध्यान रखना कि रे ऑप्टिक्स में हम ये मान के चलते हैं, रे ऑप्टिक्स बात कर रहे हैं, रे वेव की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स में जो हमारा लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। दिक्कत, पूरे रे ऑप्टिक्स में जो भी हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, कभी भी आप लोगों को क्लास 10th में 9th में रिफ्लेक्शन पढ़ाया होगा, तो सरफेस पर लाइट हमेशा ऐसे गिरती है, कभी लाइट ऐसे गिराई है, नहीं गिराई ना, क्यों नहीं गिराई, लॉजिक है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहे हम लोग, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, जितनी भी चीजें हैं किस में आती हमारी, रे ऑप्टिक्स में। और रे ऑप्टिक्स हम ये मान के चलते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कभी भी डाइवर्ट नहीं। वे ऑप्टिक्स में ऐसा होता है, क्लियर हुआ, वो हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या रे ऑप्टिक्स न्यूटन ने बताया, क्या गलत है, सब चीजें पढ़ेंगे में। अभी मानने चल रहे हैं कि लाइट में ट्रेवल करने वाली स्ट्रेट लाइन। दूसरा, जो बंडल ऑफ रेज है हमारा, बंडल ऑफ रेज, उसे हम लोग बोलते हैं बीम, क्या बोलते हैं, बीम। बंडल ऑफ रेज का मतलब क्या होता है, बीम। तो तीन पढ़ लेते हो फटाफट से, रे का मतलब क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट, मतलब लाइट जिस रास्ते से जा रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। तीसरा, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, फटाफट। अब आएंगे लोग पे चैप्टर, जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उसको बता दें भाई, क्लास 10th का आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, वो मान ही चलने की आपको क्लास 10th पढ़ कर आए हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हो गया, मिरर मिरर हो गया, जो भी आपका मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, बेसिक मिरर के डायग्राम्स, कनकेव कन्वेक्स लेंस के डायग्राम्स, वो हम मान के चल रहे हैं कि आपको वो सब चीजें आती हैं। तो पहले अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख ले जाकर, हमारे चैनल में डाल रखी है हमने क्लास 10th में, वो जाकर देखें, उसके बाद इस चैप्टर को देखने के लिए आए, ठीक है। तो ये जरूर देखना है, ये मान के चलो आपको क्लास 10th पढ़ रखी है। रिफ्रैक्शन बारे क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेसिक क्लास 10th की डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, वही हम अभी यहां पर चलाएंगे, ये चिपका देंगे अभी, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, bending of light rays, जब वो एक मीडियम से कहां जाएगी हमारी दूसरे मीडियम का मतलब क्या होता है, यहां पर समझेंगे, मीडियम का मतलब है कि जिस एरिया में वो चल रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। तो दिक्कत, अब अगर बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन के आपने लॉज ही पढ़े होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हैं ना,
the incident ray, refracted ray and normal ray on the same plane. Second हमारा Snell's law, जो होता हमारा Snell's law. उस Snell's law को हम आगे डिटेल पढ़ेंगे. अभी हमें समझना है सिर्फ कि refraction का मतलब क्या होता है bending of light rays when it travels from one medium to another. अब जो हमारे पास medium होता है वो हमारे पास दो तरीके का होता है. ठीक है, मान लो कि मैंने तुम्हें सोम बाजार वाले दिन यहाँ पे खड़ा कर दिया गली कोने में, और मैंने आपसे बोला कि जाओ दौड़ लगाओ, तो क्या आप बहुत तेजी दौड़ लगा लोगे? नहीं लगाओ. क्यों लगाओगे? भीड़ भीड़ डेंस होगा, मतलब पार्टिकल बहुत ज्यादा होगा ना. आदमी क्या होगा, बहुत ज्यादा. जब पार्टिकल बहुत ज्यादा होते तो वहां पर आपकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है? घट रही है. तो जिस मीडियम में आपकी स्पीड घट जाए या फिर जिस मीडियम में लाइट की स्पीड घट जाए उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम. क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम. अगर मैं उसे बोलूं मंगलवार वाले दिन तो मैं कैसे भी रह जाएगा. ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेयरर मीडियम. क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम. यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है. स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ज्यादा. और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कम. क्यों कम होती है? रीजन ये है कि यहाँ पर पार्टिकल ज्यादा है तो हॉटस्पॉट ज्यादा हो रखा है, यहाँ पर पार्टिकल कम. क्लियर हुआ ना? रिफ्रैक्शन का मतलब है द बेंडिंग ऑफ लाइट इज व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? क्लास 10 की बात है ये कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, बताओगे? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. क्या होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट? नॉर्मल सी बात है, दो ही तरह के मीडियम है, रेयर और डेंसर. तो या तो लाइट डेंसर से रेयर जाएगी या रेयर से डेंसर जाएगी. अभी बता दिया, अगर लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो स्पीड हो जाएगी कम. क्या हो जाएगी? कम. और अगर डेंसर से जाएगी स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा. तो स्पीड में चेंज हो रहा है ना. हाँ. तो स्पीड में चेंज होने की वजह से लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन फिनोमेना करती है. अगर एग्जाम्पल पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो हम बता देना ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. क्लियर है? फटाफट बोलो. मैंने कॉल किया था रिटर्न. ठीक है भाई, जैसे कि रिफ्रैक्ट, जैसे मैंने मीडियम बताया, दो तरह के होते हैं डेंसर और एक हमारा क्या होता है. तो आपने क्लास 10 में एक टर्म सुना जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है? ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, इसका सिंबल होता है यू. क्या होता है? फॉर्मूला इसका रहता है सी अपॉन वी. क्या होता है? सी अपॉन वी. सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसमें लेके चल रहे हम लोग. और वी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो भी आप मीडियम लेकर चल रहे हो. अब वो मीडियम आपका वाटर भी हो सकता है, एयर भी, ऑयल भी, केरोसिन ऑयल भी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना? तो म्यू जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है, ये हमें किसी भी मीडियम की, कोई मीडियम कितना डेंस है या फिर कोई मीडियम कितना रेयर है उसके बारे में बताता है. क्लियर हुआ ना? ये देखिए जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. क्लियर हुआ? अब अगर मैं बात करूं एयर की, म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी अपॉन वी. कोई दिक्कत? तो सी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. मतलब सी तो हमारा कांस्टेंट है. वी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. और एयर में हम स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही लेके चलते हैं जैसे हम वैक्यूम आते हैं 3×10⁸. ये समझ आया? ओके, भाई एयर में जो लाइट, एयर का जो वैक्यूम ट्रीट करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर भी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? सी. तो कैसे कितना हो जाएगा हमारा? बाय. तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आया? क्या जाता है? क्लियर है? एग्जाम पूछता है. और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, ये कोई नई चीज है, क्लास 10 की चीजें हैं. खाम का पैसा दे रहा मेरे को, ये क्लास 10 की चीजें. ठीक है भाई, कोई नहीं सीन है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? आपका 1 होता है ना. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव का मतलब 1. क्लियर आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? फटाफट चलो. ध्यान देना,
ये मान रहा हूं, ठीक है। इस मीडियम का मैंने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोला म्यू वन, और इसका मैंने बोला, ठीक। और ये मान लो मेरा डेंसर मीडियम है, और ये मेरा रेयर मीडियम, ऐसा ही है। अगर लाइट स्ट्राइक बीम वाली, जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेयर में स्पीड ज्यादा हो जाती है ना बेटा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये वाला एंगल क्या कहलाता है हमारा? इंसिडेंस। ये वाला क्या कहलाता है हमारा? रिफ्रैक्टिव एंगल। तो दिक्कत ये मान लो हमारा म्यू वन, ये हमारा। अच्छा यहाँ पर क्या केस बन रहा है कि म्यू वन बड़ा है किससे? म्यू टू से। तो दिक्कत यहाँ पर हम उल्टा लेके चल रहे हैं, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, अब क्या बन जाएगा हमारा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिक्कत मान लो कोई लाइट, ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, तो लाइट इस मीडियम पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक हुई, किस पर हुई? 90 इस तरह से। तो दिक्कत ये मेरे खावे, तो ध्यान रखना जैसे आई है वैसे ही और किस पर हुई हमारी? 90 डिग्री, क्लियर है? फटाफट बोलो। ये दोनों जो हमारे केस है कि वो, ये वो केस है जहां पर लाइट बेंडिंग कर रहा है कि मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन ये हमारा वो केस जहां पर लाइट को भी बेंडिंग नहीं कर रहा है। इस केस में जब लाइट 90 डिग्री पर स्ट्राइक हुई है तो इंसिडेंस की वैल्यू भी जीरो है और रिफ्लेक्टेड की वैल्यू भी कितनी है हमारी? जीरो। लेकिन एक और केस होता है हमारा जब दोनों, मान लो दोनों जो मीडियम है वो सेम है, मतलब म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो लाइट किसी भी एंगल पर आए सेम एंगल से वापस, क्लियर है ना? मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि दो केस बताइए जब लाइट बेंडिंग ना दिखाए, तो आप बोल देना एक तो ये केस है कि जब 90 डिग्री पर स्ट्राइक हो, दूसरा केस क्या है जब दोनों मीडियम क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा? पता बन गया। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तीन चार चीजों पर डिपेंड करता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है। एग्जाम में आपसे पूछा था कि ऑन विच फैक्टर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, तो पहला हमारा होता है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है कि लाइट की वेवलेंथ कैसी है, ठीक है ना। तीसरा हमारा है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम या फिर नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है या फिर नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। फटाफट लगने को चाहिए।